दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे धन प्राप्ति के चार विशेष बहुत ही छोटे छोटे और महत्वपूर्ण उपाय के विषय में। सबसे पहला उपाय देखिए, पीपल की पूजा सामान्यतः लोग तभी करते हैं जब वह शनिदेव से संबंधित किसी चीज़ में आकर फंसते हैं। शनिदेव का दुष्प्रभाव होना, उनका महादशा, अंतरदशा आना, शनिदेव की ढैया, शनिदेव की साढ़े साथी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। विष्णु जी ने, नारायण जी ने स्वयं अपने श्री मुख से यह चीज़ कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ और हर शनिवार को माँ लक्ष्मी के साथ मैं पीपल के पेड़ में निवास करूँगा। ठीक है, यह स्वयं नारायण जी की वाणी है, उनके श्रीमुख से निकला हुआ चीज है। कुछ करें या ना करें, शनिवार को पीपल में जल अवश्य चढ़ाएं। सबसे पहला उपाय बहुत छोटा सा चीज है, आप घर के किसी गमले में भी रख सकते हैं। साल दो साल तक पीपल का पौधा जो है घर में रह सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर के आसपास कोई बड़ा वृक्ष हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो आप घर में भी इस काम को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन की बात कर रहा हूँ। यह तो हो गया पहला उपाय। दूसरा चीज, कभी भी संध्या होने के बाद पैसे का लेन देन ना करें, रात के होते तक। लेकिन यदि आपका पैसा ऐसा है कि नहीं भाई, आपको 24 घंटे मतलब पूरे दिन के समय सवेरे से लेकर रात तक पैसों का यदि लेन देन करना ही हो, तो कम से कम दिन ढलते समय किसी व्यक्ति को पेमेंट ना करें, किसी भी तरह का भुगतान ना करें। दिन ढलने का समय जो होता है, आधे घंटे का एक जो शेड्यूल होता है, ठंड बरसात गर्मी अलग अलग समय में, अलग अलग समय हमारे यहाँ सूर्यास्त होता है, देश भी बहुत बड़ा है। जहाँ वेस्ट बंगाल में सपोज आज शाम को 5 बजे दिन ढलने वाला है, तो वहीं पर मुंबई में वो 1 घंटे के बाद ढलेगा, क्योंकि वह ईस्ट डायरेक्शन को दिखाता है, सूर्य उस तरफ से उगता है। तो आपके शहर में जिस समय भी सूर्यास्त होता हो, चाहे जो भी मौसम हो, कम से कम उस सूर्यास्त के समय आधा घंटा का एक ऐसा समय रखिए कि किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को आप कुछ भी चीज पेमेंट ना करें। तीसरा चीज, पैसे का लेन देन हर हमेशा सिर्फ और सिर्फ सीधे हाथ से करें। पैसे का लेन देन सिर्फ और सिर्फ सीधे हाथ से करें। चौथा और अंतिम उपाय, हम सबके घर में, यदि आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैं यह मान के चलता हूँ कि आप धार्मिक व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं पर आपके घर में हर हमेशा लगातार पूजा पाठ होती है। हम सबके घर में शंख तो होता है, लेकिन हम लोग शंख बजाते नहीं हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव जो हुआ है, जो उनका प्राकट्य हुआ है, वह हुआ है समुद्र से, और समुद्र से ही शंख की भी प्राप्ति हुई है। दोनों के दोनों 14 रत्नों में से एक है। तो हर दिन पूजा करने उपरांत घर में 3 बार शंख अवश्य बजावें। 3 बार पूजा कंप्लीट होने के बाद, जब आप ईश्वर को नैवेद्य अर्पित कर दें, प्रसाद अर्पित कर दें, धूप दीप अर्पित कर दें, पूजा रूम से उठने के पहले 3 बार आप शंख अवश्य बजावें। इसका माँ लक्ष्मी के साथ सीधा सीधा संबंध है। आपके घर के सारे दुर्योग खत्म हो जाएंगे, बैक्टीरिया सारे खत्म हो जाएंगे, घर के वास्तु दोष समाप्त होते हैं और आय के नए नए स्रोत बनते हैं। लक्ष्मी का निवास जो होता है वो स्थायी रूप से होना प्रारंभ हो जाता है। चलिए, फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आज के लिए जय श्री राम।